सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे को नए वीडियो में। गाइस आज इस वीडियो में हमारे पास है कि खराब एलईडी बल्ब का ढांचा। इस एलईडी बल्ब के अंदर और कुछ भी नहीं है, ना ही इसके ऊपर का डिफ्यूजर है, ना ही इसके अंदर कोई मशीन है, ये सिर्फ ऊपर का एक सांचा है। आज हम आप लोगों को इस खराब एलईडी बल्ब के सांचे में एक दिवाली में डेकोरेशन एलईडी बल्ब बनाना सिखाएंगे। अगर आप लोगों के घर में कोई खराब एलईडी बल्ब पड़ा है तो आप उसको दिवाली में डेकोरेशन के लिए बनाकर के यूज कर सकते हो। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम इस सांचे को लेंगे और हमारे पास एक झालर है जो कि खराब हो गई है या लाइट से नहीं जलती है। इसमें इसके कुछ बल्ब खराब हो गए और कुछ बल्ब सही हैं। चलो हम इसमें से कुछ सही बल्ब निकाल लेते हैं, जिन बल्बों को हम इसके ऊपर लगाएंगे। और इसके ऊपर यहाँ पर लगाने के लिए हमने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा कट कर लिया है जो कि यह रहा, या इसके ऊपर बिल्कुल आसानी से सेट हो जाता है। हम इसी में इन बल्बों को लगा करके फिर इसके ऊपर लगा देंगे। चलो पहले इनमें से सही वाले बल्ब निकाल लेते हैं और इसमें हम जितने बल्ब लगाएंगे उतने बल्ब इसमें से निकाल लेते हैं। हमने इसमें से कुछ इतने सारे बल्ब कट कर लिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और उससे इसके प्लस माइनस को चेक कर लेते हैं। इसमें से ये जो दो तार हैं, इसमें से कौन सा प्लस का तार है और कौन सा माइनस का तार है, इसको चेक करने के लिए हमको एक बैटरी लेना होगा। चलो ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लिथियम आयन सेल ले लिया है, इससे हम इन सभी को चेक कर लेंगे। इससे ये भी पता चल जाएगा इसमें से जो बल्ब खराब हो गए वो भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और जो बल्ब सही होंगे वो जलेंगे और उनका प्लस माइनस भी पता चल जाएगा। इसका ये जो बैटरी का लाल वाला तार है ये प्लस का है और ये जो नीला वाला तार है ये माइनस का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह वाला बल्ब जल रहा है और यह बिल्कुल अच्छे तरीके से जल रहा है। चलो इस बल्ब को साइड में रख देते हैं। इसका ये वाला जो तार है ये प्लस का है, इसको हम कुछ इस तरीके से बांध देंगे तो हमको पता चलता रहेगा सभी बल्बों का कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। हमने इसमें कुछ इस तरीके से गांठ लगा दिए, गांठ वाला हमारा प्लस का है और ये वाला माइनस का है। चलो इस बल्ब को साइड में रख देते हैं और दूसरा बल्ब ले लेते हैं। ऐसे हम सभी बल्बों को चेक कर लेंगे और जो बल्ब खराब होगा उसको अलग रख देंगे और जो सही होगा उसको इसी तरह से करके रख देंगे। यह वाला बल्ब भी सही है, आप लोग देख सकते हो यह नीला और लाल जल रहा है। इसमें ये वाला तार प्लस का है। हमने इसमें भी प्लस वाले तार पर गांठ लगा दी है, आप लोग देख सकते हो। इसको भी हम साइड में रख देंगे। हमने इसमें के सभी बल्बों को चेक कर लिया है और ये जो 10 बल्ब हैं ये बल्ब सही हैं और ये जो 5 बल्ब हैं ये बल्ब खराब हैं। इन बल्बों को हम साइड में रख देंगे, इनका हमको कोई काम नहीं है क्योंकि ये बल्ब खराब हैं। और ये जो सही वाले बल्ब हैं इन बल्बों को हम ये जो हमने कार्डबोर्ड कट किया है इसमें सेट कर लेंगे। ये वाला इनको हम इसमें कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, इसके अंदर छेद कर लेंगे तब इन बल्बों को इसमें सेट कर देंगे। चलो पहले इसके अंदर छेद कर लेते हैं। छेद करने के लिए हमको कोई नुकीली चीज लेना होगा, चलो ले लेते हैं। नुकीली चीज के लिए हमने यहाँ पर एक टेस्टर ले लिया है, हम इससे इसमें छेद कर देंगे। हमने इसमें टोटल 10 छेद कर लिए हैं। अब ये सभी 10 बल्ब जो हैं इन 10ों बल्बों को इसमें सेट कर देंगे। ये हमारे बल्ब जो इस तरफ हैं ये लाल और नीले जलते हैं और ये जो बल्ब हैं ये लाल और हरे जलते हैं, तो हम इसमें मिक्स करके लगाएंगे। चलो इनको लगा लेते हैं।
हमने इसमें सभी बल्बों को सेट कर दिया है। हम इनको इसमें ग्लू से चिपका देंगे तो अब आप पीछे की तरफ नहीं निकलेंगे, वरना एक बल्ब पीछे की तरफ निकल जा रहे हैं। चलो इनको ग्लू से चिपका लेते हैं, फिर इनको हम इसके ऊपर सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमने इसके ऊपर की ये जो कैप होती हैं, इन कैपों को हमने हटा दिया है और इसके ऊपर हमने टेप लगा दिया है, क्योंकि यह ग्लू से रुक नहीं रही थी और हमारे पास ज़्यादा ग्लू था नहीं जो हम इसके ऊपर पूरे में डाल दें। चलो इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसके जो प्लस वाले तार हैं जिस पे हमने पहले गांठ लगाई थी, फिर हमने उनको कुछ इस तरीके से कर दिया था, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। चलो इनको आपस में जोड़ लेते हैं। हमने इसके प्लस माइनस के सभी कनेक्शन कर दिए। चलो इसको जला करके चेक करते हैं इसके जो बल्ब हैं जल रहे हैं या नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके जितने बल्ब हैं सभी बल्ब जल रहे हैं। चलो इसको इस बल्ब में सेट करते हैं। इसको जलाने के लिए हम इस बल्ब में एक चार्जर लगाएंगे। हमने यहाँ पर इस बल्ब में लगाने के लिए एक चार्जर का मॉड्यूल ले लिया है। चार्जर के अंदर की जो किट होती है उसको हमने बाहर निकाल लिया है, इसी को हम इसके अंदर सेट करेंगे। चलो इस चार्जर को इसके अंदर सोल्डरिंग आयरन से सेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इस बल्ब में इस चार्जर को सेट कर दिया है। आप लोग देख सकते हो इसमें हमने इस चार्जर को सेट कर दिया है और इस चार्जर के जो दो तार हैं, ये हमारा प्लस का तार है वाइट वाला और ब्लैक वाला माइनस का तार है। अब हम इसके ऊपर वो जो हमने कार्डबोर्ड में बनाया था जिसमें हमने बल्ब लगाया था उसको हम लगाएंगे। हमने यहाँ पर वो ले लिया है, हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। चलो इस प्लेट को इसके ऊपर सेट करते हैं। इसको सेट करने से पहले हम इसमें चेक कर लेंगे, इसमें से जो तार प्लस का होगा उसको हम प्लस वाले में जोड़ देंगे और जो माइनस का होगा उसको माइनस वाले में जोड़ देंगे। चलो चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा यह वाला प्लस का तार है, यह वाला माइनस का है। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें यह वाला प्लस का है, यह वाला माइनस का है। चलो इनको इसमें जोड़ लेते हैं। हमने प्लस वाले तारों को इसमें जोड़ लिया है। चलो इस माइनस वाले को भी जोड़ लेते हैं। हमने इसमें इस माइनस वाले तार को भी जोड़ लिया है। चलो इन दोनों पर टेप लगा करके और फिर इसको इसमें बंद कर देते हैं। हमने उन तारों में टेप को लगा करके और इस बल्ब को बंद कर दिया है। अब हमारा यह बल्ब बनकर के रेडी हो चुका है। इसको हम दिवाली में जला सकते हैं डेकोरेशन के लिए। चलो इसको आप लोगों को जला करके दिखाते हैं या किस तरीके से जल रहा है। इसमें टोटल हमारे 10 बल्ब लगे हुए हैं। चलो अब इसको जलाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से जल रहा है। इसको जलाने के लिए हमको एक होल्डर लेना होगा। चलो ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक होल्डर ले लिया है और हमने यहाँ पर एक बोर्ड ले लिया है। इस होल्डर के प्लग को हम इस बोर्ड में लगा देंगे। हमने होल्डर के प्लग को बोर्ड में लगा दिया है। चलो इस होल्डर में इस बल्ब को लगाते हैं। हमने इस होल्डर में इस बल्ब को लगा दिया है और इसके बल्ब जलने लगे हैं, लेकिन इसमें तीन बल्ब नहीं जल रहे हैं। इसके जो बल्ब हैं उसमें कार्बन लगा हुआ है इसीलिए नहीं जल रहे हैं। कभी कभी ये जलने लगते हैं और कभी कभी नहीं जलते हैं। चलो सभी लाइटें ऑफ करते हैं तब आप लोग इसकी रोशनी दिखाते हैं या किस तरीके से जल रहे हैं। आप लोगों ने देखा यह बल्ब अंधेरा करने पर किस तरीके से जल रहा है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।